अब आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों BGMI को खेलने में बहुत कम वक्त रह गया। जी हाँ, लेकिन आपको पता है जब गेम आएगा ना तो गेम के अंदर ना बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और सारे ही चेंज यहाँ पे जो लीक सब वो निकल के आ चुके हैं। और भाई ऐसे ऐसे चेंजेस है ना जिसको देखोगे तो भाई आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले BGMI में ऐसे चेंजेस देखे ही नहीं होंगे जो क्राफ्टन ने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो सारा ही डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप लोग BGMI खेलने वाले हो तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे BGMI के सर्वर्स के ओपन टाइम के बारे में, तो आप लोग मेरे को ना अभी कमेंट करके बताओ। यहां पे दोस्तों मैंने टाइम लाइन आपको दिया है 12:01 AM पे, 5:30 बजे सुबह में, 7:30 बजे सुबह में, या फिर 1 बजे। आपके हिसाब से कौन से टाइम पे आपको लगता है कि BGMI के सर्वर्स जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगे, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आपको पता है दोस्तों जब BGMI का अपडेट आया, जब आप लोगों ने अपडेट किया, आप लोगों को पता चला कि न्यू समय आ रहा है, न्यू साइकिल सीजन आ रहा है और एक स्टीजन एक सूट करके आ रहा है। जी हाँ, जो आपको गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अब नूसा मैप आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे दोस्तों जो पबजी मोबाइल के अंदर भाई 2 अपडेट पहले ही आ गया था। जी आपको पता है, और यहाँ पे दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने इसको खेला होगा। बेसिकली एक क्लासिक मैच है। एंड स्टीजन एक सूट के बारे में बात करूँ दोस्तों, तो पर्सनली मेरे को ये जो एक सूट है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले कुछ फीचर्स दिखा देना चाहता हूँ, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोगों का जो एक स्टैंडिंग पोज है ना, नया टाइप का स्टैंडिंग पोज देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप गेम में लॉग इन करोगे ना, लॉबी में आप जैसे आओगे तो एक नया स्टैंडिंग पोज में आप खड़े हो जाओगे। इसके अलावा जो आप लोगों को गन पकड़ने का जो पोज है ना, वो भी सारे गन का अलग अलग तरीके से आप लोगों को पोज में आपको पकड़ के मतलब पकड़ना पड़ेगा गन को। ये फीचर आ चुका है 2.5 वर्जन के अंदर BGMI के अंदर। जी हाँ, जब आप लोग डाउनलोड करके लॉग इन करोगे तो देख पा रहे हो भाई अलग अलग गन को अलग अलग स्टाइल से ये पकड़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इसके अलावा जो इमोट टुगेदर है, जी हाँ, ये गेम फॉर पीस में बहुत पहले आया था। जो भी दोस्तों लीडर होगा ना उसको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों टिक करने का। जी हाँ, अगर आप लोग उसको टिक कर दोगे ना तो भाई आप जो भी इमोट पे क्लिक करोगे उसके साथ साथ आपके जितने भी टीममेट्स खड़े होंगे सभी लोग यहाँ पे इमोट करेंगे। जी हाँ, तो ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। सब लोग दोस्तों यहाँ पे एक साथ में इमोट कर सकते हो और यहाँ पे काफी मजे कर सकते हो। उसके बाद एक नया अटैचमेंट आया। जी हाँ, ये दोस्तों इससे क्या होगा ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का दोस्तों जो शॉटगन वगैरह होता है ना, तो इससे क्या होगा कि ये शॉटगन का जो दोस्तों आप लोगों का रिलोडिंग टाइम होता है ना, वो यहाँ पे बहुत ही तकड़ा हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला, ये मैंने इसको यहाँ पे मैंने गन के ऊपर लगाया। एंड यहाँ पे दोस्तों गन के ऊपर लगाने के बाद जब आप गन को मतलब चलाओगे ना भाई, तो इसका जो मतलब ये होता है ना रिलोड स्पीड, वो बहुत ही मतलब तेज हो जाता है। देख पा रहे हो यहाँ पे मैं चला रहा हूँ और अभी ये दोस्तों नॉर्मल स्पीड है। एंड यहाँ पे जैसे जैसे ही दोस्तों ये अटैचमेंट को इक्विप करूँ ना, तो भाई इसका जो स्पीड है रिलोडिंग टाइम वो बहुत ही तेज हो जाएगा। जी हाँ, देख पा रहे हो फट 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 एकदम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये काफी कमाल का दोस्तों अटैचमेंट आपको देखने के लिए मिला है। यही नहीं, अपने को यहाँ पे एक और अटैचमेंट देखने के लिए मिला है जो कि स्पेशली फॉर DP28 है, देख पा रहे हो यहाँ पे। और इसको भी दोस्तों अगर आप लोग मतलब इक्विप करोगे ना, तो ये आपको गेम फॉर पीस की याद दिलाएगा। देख पा रहे हो जैसे आप इसको इक्विप करोगे तो यहाँ पे ना दोस्तों बेसिकली ये एक शील्ड बना लेता है। जी हाँ, जिससे आप लोग देख पा रहे हो कि लेट के आप लोग एनिमी से प्रोटेक्ट भी हो सकते हो। देख पा रहे हो काफी तगड़ा लग रहा है। जी हाँ, तो ये भी दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 2.5 वर्जन के अंदर। तो भाई ये भी मेरे को काफी कमाल का दोस्तों अटैचमेंट लगा। गेम फॉर पीस जिन्होंने जो भी लोग खेले हैं तो उन्होंने इसको यूज करा होगा। इसके बाद जो अगला फीचर है वो है दोस्तों न्यू प्लेन एनिमेशन। जी हाँ, तो गेम के अंदर आप लोगों को 2.5 वर्जन के अंदर एक नया प्लेन एनिमेशन देखने के लिए मिला, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा फीचर है। ठीक है, इसके अलावा इस और भी कई इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे कि पेलोड 3.0। अब इसके बारे में BGMI ने अपने को कंफर्मेशन नहीं दिया है, जो आप लोग देख पा रहे हो प्ले स्टोर के ऊपर वहां पर सिर्फ नूसा को ही मेंशन किया है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि बीटा वर्जन के अंदर ना इसका जो कंट्रोल्स है वो ऐड किया गया था। अब मैं कंफर्म नहीं हूं कि ये BGMI के अंदर पेलोड 3.0 डालेंगे कि नहीं डालेंगे, लेकिन भाई ये चीजें बीटा वर्जन के अंदर थी तो मैंने आपको दिखा दिया। अब अगला जो फीचर है वो है दोस्तों आप लोगों का नया थ्रोएबल ट्रेजेक्ट्री। जी हाँ, तो ये दोस्तों बेसिकली क्या होगा दोस्तों, आप जैसे यहाँ पे ग्रेनेड को पकड़ोगे ना, तो आप लोग देखोगे तो आप लोगों का ना जो ग्रेनेड फेंकने वाला जो आइकन बनता है ना, वो आपको पहले से ही व्हाइट कलर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो जैसे ग्रेनेड को मैंने पकड़ा वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसको फेंक सकते हो ग्रेनेड को बिना फेंके। देख पा रहे हो ये दिखा रहा भाई आप लोगों को। ठीक है, तो ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तो ये भी BGMI के अंदर आप लोगों को ऑफिशियली देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद एक आप लोगों का न्यू लॉगिन का सिस्टम ऐड किया गया, जहाँ पे आप लोगों को ना अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो आप लोग देखोगे ना, जो भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स वगैरह है, जैसे हेलमेट का स्किन है, गन का स्किन है, जी हाँ,
एक यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों जो है वो एक क्रेड बॉक्स भी है जी हाँ, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हीरो क्रेड है बेसिकली। तो इसके अंदर आपको अलग अलग रिवॉर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे कि लॉग इन रिवॉर्ड में आपको हेलमेट का स्किन, गन का स्किन भी मिल रहा है, लेकिन ये टाइम लिमिटेड है जी हाँ। तो ये कुछ दोस्तों चेंजेस है जो आपको 2.5 वर्जन के अंदर ऑफिशियली जब गेम को डाउनलोड करोगे ना तो आपको उसके साथ में ही देखने के लिए मिलेगा और ये कुछ कन्फर्म फीचर है दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे और भी कई सारे फीचर्स है जो दोस्तों ना फिफ्थ एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव था, और आपको पता है दोस्तों जो फिफ्थ एनिवर्सरी था वो पबजी मोबाइल के अंदर आया था, इसलिए मैंने उन फीचर्स को आप लोगों को नहीं बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बीजीएमआई के अंदर ये लोग नहीं डालेंगे, ठीक है। एंड भाई अगर आ गया बीजीएमआई के अंदर तो मैं आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना। एंड दोस्तों जैसे ही सर्वर्स वगैरह ओपन होएगा इससे रिलेटेड और भी कुछ कंफर्म इंफॉर्मेशन आएगा तो मैं आपको मेरी वीडियोस के थ्रू जरूर से बताऊंगा। क्या आप लोगों ने बीजीएमआई को डाउनलोड कर लिया मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इसके अलावा जो iOS वर्जन है उसके पास मतलब वो जो गेम जितने भी iOS के यूजर है ना, जो एग्जिस्टिंग है, जो ओल्ड है, वो सभी को कल से जी हां कल से दोस्तों आप लोगों को गेम डाउनलोड करने के लिए और खेलने के लिए भी दिया जाएगा जी हां। अब सर्वर्स वगैरह खुल रहे हैं, बस डर इसी बात का कि सर्वर क्रैश नहीं हो जाए भाई। इतने सारे लाखों करोड़ों प्लेयर एक साथ में खेलेंगे एंड ग्राइंड करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि रात में ही 12 बजे से सर्वर्स को ऑन कर दिया जाए, iOS के लिए भी डाउनलोड अवेलेबल करा दिया जाए, क्योंकि एंड्रॉइड का जो डाउनलोड है वो रात में ही अपडेट आ गया था, आपको पता है 12 बजे जैसे वैसे ही अपडेट इन्होंने रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया, सारे एंड्रॉइड यूजर्स को मिल गया था अपडेट। अब iOS के साथ भी हो सकता है कि ऐसा ही करे एंड यहां पे दोस्तों जो सर्वर्स है उस पे पूरा वजन पड़ने वाला है जी हां। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय दोस्तों।